रोहित शर्मा ने दिया बिन डकेट को मुंहतोड़ जवाब। कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के बेसबॉल का उड़ाया खूब मजाक। कप्तान रोहित शर्मा ने और टीम इंडिया ने ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज अपने नाम कर लिया है, यानी कि इंडियन टीम ये सीरीज जीत चुकी है। अभी पांचवा मुकाबला बाकी है, लेकिन फिर भी कमाल की डोमिनेशन दिखाई है इंडियन टीम ने। पहला मुकाबला हारने के बाद कमबैक देखने को मिला कप्तान रोहित शर्मा का, साथ ही साथ इंडियन टीम का। और ऐसे में श्वेता, पहला मुकाबला आते ही इंग्लैंड टीम जीत जाती है। विराट कोहली आपके पास नहीं थे, केएल राहुल कुछ मुकाबले आपके पास नहीं थे, उसके बावजूद यंगस्टर्स का डेब्यू करवाने के बावजूद भी यहां पे कप्तान रोहित शर्मा ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है। एक तरफ जहां पर हमने जसप्रीत बुमराह की डोमिनेशन देखी, रविचंद्र अश्विन की 500 विकेट देखी, जड्डू का बैट से और बॉल से दोनों से कमाल देखा, वहां पर एक तरफ थे यशस्वी जायसवाल जिन्होंने दिखाई कमाल की पावरस बैटिंग। और अगर आप बैटिंग परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे पर्टिकुलरली इस सीरीज में, तो जायसवाल ने अपनी बैटिंग से बहुत इंप्रेस करा है। और ऐसे में जायसवाल ने जब कमाल की बैटिंग करी थी उनकी इसी फॉर्म को देखकर, वहां पर बेन डकेट थे जिन्होंने कुछ ना कुछ बयान दे दिया था जायसवाल के ऊपर, लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा ने पहले जवाब दिया सीरीज जीतकर, और अब एक मुंह तोड़ जवाब कप्तान रोहित शर्मा ने भी दिया है बेन डकेट को। बिल्कुल यशस्वी जायसवाल ने इस पूरी सीरीज में बहुत ही कमाल के बल्लेबाजी करी, सिर्फ 22 साल के हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड के एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप को जिसमें जेम्स एंडरसन शामिल होंगे, उसके जैक लीच अभी तो फिलहाल नहीं खेल रहे लेकिन वो भी खेल रहे थे स्टार्टिंग में, वो शामिल होंगे, उन्हें इतना ज्यादा डोमिनेट करेंगे, उनके बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। यशस्वी जायसवाल दो दो डबल 100 मारेंगे, मतलब सारे यंगस्टर्स एक तरफ और यशस्वी जायसवाल एक तरफ। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने अच्छी पारी खेलते, फिर बेन डकेट ने बोला था कि उन्हें हमें भी क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि आखिर बेसबॉल हमने ही इन्वेंट किया था। तो इस बात पे अब रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, चलिए एक बार नजर डालते हैं रोहित शर्मा के बयान पर। हमारी टीम में ऋषभ पंत नाम का एक लड़का था, शायद बेन डकेट ने उसे खेलते हुए नहीं देखा होगा। मुझे नहीं पता कि बेसबॉल का क्या मतलब है, मैंने किसी को वाइल्ड स्विंगिंग करते नहीं देखा, मुझे अभी भी नहीं पता कि बेसबॉल का मतलब क्या है। बिल्कुल, ये था कप्तान रोहित शर्मा का बयान, और यहाँ पे साफ साफ कह दिया क्योंकि श्वेता हमने बेसबॉल तो नहीं देखा इस सीरीज में, लेकिन जायसवाल का जायसबॉल खूब देखा है और बहुत कमाल का देखा है। जिस हिसाब से दिग्गज बॉलर एंडरसन की भी पिटाई करी, मार्कवुड की भी पिटाई करी और सभी स्पिनर्स की बराबर पिटाई करी है यशस्वी जायसवाल ने, कंसिस्टेंसी दिखाई है, 200 मारे हैं, लेकिन उनके उस एग्रेशन पर डकेट मांग रहे थे क्रेडिट, तो कप्तान रोहित शर्मा ने दिया मुंह तोड़ जवाब। उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि हमारी टीम में खिलाड़ी हुआ करते थे ऋषभ पंत, जो कि इसी माइंडसेट से खेलते थे श्वेता, आते ही पिटाई करना चालू करते थे, अग्रेसिव माइंडसेट से खेलते थे, फियरलेस बैटिंग करते थे, उनका एग्जांपल दिया है कि लगता है बेन डकेट ने वहां पर ऋषभ पंत को बैटिंग करते हुए अभी तक नहीं देखा, और अगर ऋषभ पंत होते तो शायद वहां पर इंग्लैंड की टीम खुद एक ऋषभ पंत का भी जायसबॉल शायद देखने को मिल जाता। और ऐसे में बहुत कमाल की ये सीरीज रही है, लेकिन वो जो बेसबॉल वाली हाइप थी वो कप्तान रोहित शर्मा ने इंडिया में इंग्लैंड आई वो खत्म कर दी। जिस हिसाब से श्वेता इनकी हाइप थी कि भाई इंग्लैंड है, बेसबॉल खेलती है, अग्रेसिव माइंडसेट दिखा पाती है, क्योंकि अभी तक फुल स्टॉप लगा के रखा है रोहित शर्मा ने उनके इस बेसबॉल पर। और अब बयान में भी कहा कि भाई मैं नहीं जानता बेसबॉल क्या है, अभी तक मेरे को नहीं पता, क्योंकि रोक के रखा है कप्तान रोहित शर्मा ने और इंडियन टीम ने इंग्लैंड का बेसबॉल। बिल्कुल, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने बयान में बोला है कि बेसबॉल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा नहीं बल्कि इंग्लैंड भूल गई है कि क्या है बेसबॉल, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है इंग्लैंड का, क्योंकि सिर्फ पहला मुकाबला आप जीते थे वो हिस्टोरिक विन थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक कमबैक हो ही नहीं पाया। अब देखने वाली बात होगी कि धर्मशाला टेस्ट में क्या इंग्लैंड कमबैक करते या फिर इंडिया जीत का चौका लगाती है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसे में जो इंग्लैंड अपना ओवर कॉन्फिडेंस लेके आई थी, जो बेसबॉल की हाइप लेके आई थी, वो इंडियन कंडीशंस में तो नहीं चल पाया। हालांकि पहले मुकाबले के बाद लग रहा था कि हाँ भाई इंग्लैंड टीम इस सीरीज में भी अपना जो है सीरीज भी जीतकर जा सकती है, कमाल का कमबैक उन्होंने ऐसा दिखाया था, बट देन एक रियलिटी चेक इंग्लैंड की टीम को मिल गया। और वो जो रूमर्स थे जहां पर दिग्गज क्रिकेटर्स कह रहे थे कि अगर ये यहां पर भी जाके बेसबॉल खेलेंगे तो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा मुकाबला, और वही देखने को मिला पर्टिकुलरली दूसरे मुकाबले में, तीसरे मुकाबले में और चौथे मुकाबले में। तो इंडियन टीम ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, और वो जो मैच जिस तरह अपने नाम करा ध्रुव जुरेल की, वो कमाल की पारी, क्योंकि वो मैच श्वेता बहुत क्रूशियल था, वो मैच भी जीता, सीरीज भी अपने नाम करी, और बेसबॉल में
अभी तक रोक के रखा है बैसबॉल को। ऐसे में अब बड़ा क्वेश्चन ये होने वाला है कि इंग्लैंड की टीम क्या कुछ चेंजेस करती है, क्योंकि श्वेता जो रूट ने चेंज करना चालू कर दिया है भाई। बैसबॉल जब तक जो रूट फॉलो कर रहे थे, अग्रेसिव माइंडसेट जब तक दिखा रहे थे, तब तक बैट से रन नहीं आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने शिफ्ट करा बैसबॉल से अपनी नेचुरल बैटिंग पर, शतक आ गया जो रूट का। लेकिन अब ये शिफ्ट क्या इंग्लैंड की टीम करने वाली है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया में बैसबॉल नहीं चल पाया अभी तक इस सीरीज में। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।